नमस्कार दोस्तों, मैं सोनूपाल आप सभी के बीच हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले ट्रिक की वीडियो में हमने दो ट्रिक कर लिया था, दो डिजिट वाले और तीन डिजिट वाले इनटू को हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया था। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे आपको ट्रिक चार डिजिट वाले, ठीक है। इसको चार डिजिट वाला ट्रिक में, इससे पहले हम लोग तीन डिजिट वाला ट्रिक जो पढ़े थे उसमें हम लोग पांच स्टेप बनाते थे। अब ये एक अंक बढ़ गया इसलिए हम लोग इसलिए दो स्टेप बढ़ा देंगे, तो अब ये हमारा सात स्टेप में बनेगा, ठीक है। आप स्टेप मत देखिए, आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको स्टेप याद करने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान में खुद रहेगा। हम एक क्वेश्चन बताएंगे और आप घर में खुद से कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका स्पीड जो है लगा मतलब जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग सात स्टेप में बनाएंगे। पहले जैसे बेसिक पहले करते थे, पहले उसको लिख लेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में लिख ले रहे हैं 3 4 6 2, ठीक है। पहला स्टेप, पहला तीन स्टेप वही वाला होगा जो पहले हम लोग तीन डिजिट वाले इंटू में हम लोग इंटू किए थे। तो पहला क्या था, इसको इससे इंटू करेंगे तो हम लोग तीन को दो से इंटू करेंगे कितना आएगा, छह, यहाँ पे लिख देंगे। और दूसरा स्टेप क्या था, उससे पहले वाले में भी यही था और अभी भी यही है कि इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, मतलब कि दो को एक से इंटू करेंगे दो, छह को आठ से, छह को तीन से इंटू करेंगे, छह दोनों का 18, दोनों को जोड़ देंगे तो 20। अब यहाँ पे जीरो लिख देंगे और दो हासिल जो रहा था उसको यहाँ लिख देते हैं। अब तीसरा स्टेप भी वही वाला जो इससे पहले किया था, इसको इससे इंटू करके, इसको इससे इंटू करके, इसको इससे इंटू करके तीनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए दो दुने का चार, चार तिया बारह, छह एकम छह, तीनों को जोड़ देंगे, छह चार दस, दो बारह के दो, हाथ में एक का एक और एक दो, और दो हासिल बचा हुआ था तो मतलब यहाँ पे दो ही जोड़ देंगे, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, चौबीस, चौबीस का यहाँ पे चार लिखेंगे और हासिल हमारा अभी भी दो रह गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसको यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो चार स्टेप फोर्थ स्टेप में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है, और इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करके चारों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हासिल हमारा दो ऊपर में है, दो को पांच से इंटू करेंगे दस, तीन को तीन से इंटू करेंगे नौ, चार को एक से इंटू करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, चार को एक से इंटू करेंगे चार, छह को दो से इंटू करेंगे, चार दुनी छह दुनी का बारह, चार नौ दो ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह के पांच, हाथ में एक का एक, एक दो एक तीन, और यहां पे दो हासिल बचा हुआ है तो पैंतीस, पैंतीस और दो सैंतीस का सात हो गया, हाथ में हमारा हासिल कितना आ गया, तीन आ गया, ठीक है। अब पांचवा स्टेप देखते हैं, पांचवा स्टेप में क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करना है। आइए दोस्तों, मतलब इसको पांच से छह से, पांच को छह से गुना करेंगे, छह पचे तीस, तीन को एक से गुना करेंगे, तीन कम तीन, चार को दो से इंटू करेंगे, चार दुनी का आठ, तीनों को जोड़ देंगे, आठ दो दस ग्यारह एक, हाथ में एक का तीन एक चार, ठीक है। और यहाँ पे हासिल कितना था हमारा, तीन, तो यहाँ पे तीन जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका चौवालीस, चौवालीस का चार। अब हासिल हमारा क्या बचे, यहाँ पे चार बचे तो यहाँ पे चार लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पांचवा स्टेप में, पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, तो पांच होगा बीस, यहाँ पे लिख लेंगे पांच होगा बीस, तीन दोनों का छ, छब्बीस आ गया और हासिल कितना था हमारे पास चार, तो यहाँ पे चार जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका तीस, तो तीस का जीरो लिख लीजिए। अब हासिल आपके पास कितना रह गया है, मात्र तीन रह गया। अब अंतिम स्टेप देखेंगे, अंतिम स्टेप अंतिम अंक को इससे इंटू कर देंगे, तो पांच को तीन से इंटू कर देंगे तो पांच या पंद्रह, अब पंद्रह तीन पंद्रह और तीन अठारह होता है अठारह। अब इससे आगे इंटू नहीं करना, तो दोनों अंक को लिख देंगे यहाँ पे अठारह। दोस्तों आप इसको चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से, इतना इजी वे में, इतना लंबा कैलकुलेशन बहुत इजी वे में आपका आ गया है। देखिए आंसर कितना आ गया, आप इसको अपने कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं और दोस्तों आप अपने घर में जाके कैलकुलेट करके आप अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी नंबर को चार डिजिट के नंबर को आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका इतना आंसर जरूर आ जाएगा। एग्जाम में इससे ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा आज का ट्रिक, और इसी तरह से ट्रिक आप अगर पाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट लिखिए, कमेंट करके हमें बताइए कि और भी ट्रिक बताइए तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।